नमस्कार दोस्तों, निरोग दिवस संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबीला मीडिया में आपका स्वागत है। सरहद केंद्रीय समाचार पत्र की 16वीं वर्षगांठ पर ब्लड डोनेशन सोसाइटी द्वारा श्रीमती शकुंतला देवी तथा श्री मदन लाल नागपाल की याद में एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। यह कैंप फाजिलका की पंचायत समिति मार्केट में आयोजित किया गया। सरहद केसरी के मुख्य संपादक श्री राकेश नागपाल के पिता श्री मदन लाल नागपाल तथा माता श्रीमती शकुंतला देवी की याद में यह ब्लड डोनेशन कैंप सरहद केसरी समाचार पत्र की 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया है। ब्लड डोनेशन सोसाइटी के सहयोग से यह ब्लड डोनेशन कैंप यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान की मुहिम को आगे बढ़ाने वाली ब्लड डोनेशन सोसाइटी के कृष्ण तनेजा की देखरेख में यह शिविर यहां पर आयोजित हुआ। शिविर में सरहद केसरी के सह संपादक मनोज नागपाल, दीपक नागपाल, अमृत सहदेवा ने अपनी सेवाएं दी। इस मौके पर पवन जुलाहा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिलका का यह दृश्य है। फाजिलका की पंचायत समिति मार्केट में सरहद केसरी समाचार पत्र की 16वीं वर्षगांठ तथा सरहद केसरी समाचार पत्र के मुख्य संपादक श्री राकेश नागपाल के पिता श्री मदन लाल नागपाल तथा माता श्रीमती शकुंतला देवी की याद में यह ब्लड डोनेशन कैंप यहां पर आयोजित किया गया है। देख इस प्रकार से यहां पर रक्तदानियों को सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पर संजीव मार्शल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। नरेश मित्तल भी इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे समाचार पत्र आज 15 साल पूरे हो गए। 16 साल प्रवेश अभी, हर साल कोई ना कुछ सोशल वर्क करते हैं। उन्हें जैसे अब पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। मेरे 2-3 बच्चे ब्लड डोनर करते जिन्होंने जरूरत है ब्लड देने की मदद करा। टोटल कितना टारगेट ले आए? 100 बना के टुरे हैं, तकरीबन 60+ हो चुके हैं। तो अगर मौसम ने साथ दिता तो 100 भी टप जाएंगे। सर, अभी नौजवान पीढ़ी ने की मैसेज देना चाहोगे जिन्हें नशे वाल ज़्यादा रहता है? ब्लड देना चाहिए, नशा त्यागना चाहिए। अगर थोड़े एक ब्लड देने के जिंदगी बचती है, आप ही ना सोचिए उनकी एक दी बचती है, उसका सारा परिवार बचता है, उन्हें कई परिवार बचते हैं। तो इस वास्ते भी सारी युवा पीढ़ी ने भी नशे को त्याग के खेडों वाले ध्यान देन, सोशल वर्क कर, अपना ध्यान उस पास बदलना, ताकि नशे वाले पास जाने उन्होंने टाइम ही ना मिले। हाँ जी, मैं नरेश मित्तल, चेयरमैन सर स्वच्छता सोसाइटी फाजिलका की तरफ से आपको बता रहा हूँ कि आज का जो ये कैंप ब्लड डोनेशन का कैंप है, ये फाजिलका ब्लड डोनेशन सोसाइटी और सर स्वच्छता सोसाइटी के आपसी सहयोग से लगाया जा रहा है। हम युवाओं को नशे से दूर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि युवा वर्ग जो है नशे दूर रह करके खूनदान कर सके। खूनदान एक ऐसा दान है जिसका कोई दुनिया में सानी नहीं है। सबसे उत्तम दान जो सब गिना गया है वो खूनदान गिना गया है। मैं सभी युवा पीढ़ी से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खूनदान करें, ताकि ये जो खून है लोगों को बिल्कुल फ्री लगाया जाता है, ताकि जो बेसहारा पेशेंट होते हैं उनको खूनदान समय पर खून मिल सके और उनकी जान बचाई सके। हमारी संस्था का यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खून मिल दिया जाए और गरीब लोगों तक उसका फायदा मिला है। सरहद केसरी वेलफेयर सोसाइटी वालों, ब्लड डोनेशन वेलफेयर सोसाइटी वालों, जो सरहद केसरी की 16वीं वर्षगांठ है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। बड़ी खुशी की गल है, बड़ा अच्छा योगदान है ब्लड डोनेशन करना, खूनदान करना, ये कईयों की जिंदगी बचती है। दूसरी गल, अज गर्मी के मौसम के अंदर भी युवाओं का जोड़ा जोश है ब्लड देने वास्ते बहुत वधिया नज़र आ रहा है। तो मैं इस मौके पर यही संदेश देंगा कि जो स्कूटर मोटरसाइकिल कार की सर्विस असं कराने उन्हों की परवाह करते हैं, पर शरीर की सर्विस कराने का तरीका है कि ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेशन नाल आपके शरीर की बीमारियां भी कटदी हैं, दूसरे की जान भी बचती है। इस करके फाजिलका युवा बहुत जागरूक है ब्लड डोनेशन वास्ते, वो अक्सर ब्लड डोनेट करते हैं। इस काम में इस यज्ञ को अपन निरंतर करते रहना चाहिए। जय हिंद। कई खूनदान करके कई जिंदगी बचा सकते हैं। नौजवान पीढ़ी सर की मैसेज देना चाहिए? नौजवान पीढ़ी चाहिए जी नशाबंदी छड़ के ए चंगे कामों पै जान, जिंद कई भलाई हो सकती है, अपनी जान भी सुखी व्यतीत कर सकते।
ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਏਜ 55 ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਰੈਸ਼ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਵਨਿਊ ਆਰਮੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਭੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਜ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਤੋ ਸਭੀ ਡੋਨਰਸ ਆਏ ਹੁਏ ਹੈ, ਤੋ ਜੋ ਡੋਨਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਸੇ, ਵੋ 14 ਜੂਨ ਕੋ ਸ਼ਾਹ ਪੈਲੇਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਔਰ ਆਜ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਰੈਵਨਿਊ ਆਰਮੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਨਕੋ ਫ੍ਰੀ ਮੇਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਹਮੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲੱਡ ਸਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮਦਨ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਰੋੜ ਵੰਸ਼ ਵਿਰਾਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਏਸੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਏਸੀ ਵੈਨ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।